जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये बात बोलना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस होता है, इसके बीच में जो हमें प्रक्रिया करना पड़ता है, वो बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। बाज़ लोग तो बोल देते हैं जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आप किसी भी फील्ड में अगर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँ अपने, या टॉप करूँ बिहार अपना, या स्टेट टॉप करूँ, या आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो तुरंत नहीं होता। उसके बीच में वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। आपको उस जैसा आप सोचोगे वैसा पाने के लिए आपको जो है पहला कदम आपको जो है रखना पड़ता है, और पहला कदम भी जो है आपको करना पड़ता है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर जो होता है वो कंसिस्टेंसी। आपको जो पहला कदम किए वहाँ पर रुक नहीं जाना है, फिर आपको डेली वही काम करना है, तो वो होता है आपका कंसिस्टेंसी। और तीसरा जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कि वो डिसिप्लिन। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने दुकान खोला या आप पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन पढ़ाई कर ली छोड़ दी और दूसरे दिन आप पढ़ाई नहीं करो, क्या आप सारा चीज़ याद रहेगा? नहीं होता। या आपने दुकान खोला, आपने आज बहुत बेच लिया, या आपने आज बहुत इनकम जनरेट कर लिया, कमा लिया, आप दूसरे दिन जो है अपना दुकान नहीं खोलोगे तो क्या आप पैसा कमा लोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको डेली वही काम करना होता है, वो आपका डिसिप्लिन। और हर एक काम में, हर एक सक्सेस के पीछे जो है वो होता है डिसिप्लिन। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो तो हमेशा नाकाम रहता है। कोई भी अगर माहिरीन है, उसके अगर डिसिप्लिन नहीं है उसके पास, तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। उसको जो है अनुशासन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आता है लास्ट प्रोसेस, वो होता है पेशेंस, वो होता है सबर, वो होता है धैर्य। आपने ये तीनों काम किया कि फर्स्ट स्टेप किया, पहला कदम रखा, उस काम को डेली किया कंसिस्टेंसी के साथ, और आपके पास डिसिप्लिन है लेकिन आपके पास सबर नहीं है, तो आप बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। आपने अच्छे से पढ़ाई किया, आज पढ़ाई किया, कल पढ़ाई किया, एग्ज़ाम तक पढ़ाई किया, और आप एग्ज़ाम के दिन डर गए, आपके पास सबर नहीं था, आप एग्ज़ाम दिए बढ़िया से नहीं गया, तो ये चीज़ का डर रहता है। आप बस ये तीन काम के बाद जब आपके पास पेशेंट आता है, सबर, तो ऑटोमेटिक आप वैसा पा लेते हो। तो ये कहना कितना आसान लगा, लेकिन इसके बीच का आपको चार प्रोसेस समझ आ गया होगा कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे में बहुत अंतर होता है। और ये चार जो मेरे तरफ से नियम होता है, जो हर कोई से बड़े बड़े बिजनेसमैन से फॉलो करते हैं, और वो हमेशा अपने लाइफ में कामयाब हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहती है, और वो उनके रिजल्ट्स जैसा सोचोगे वैसा पाओगे में बहुत अच्छा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आया तो जरूर शेयर करें।